अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है शमिट रिएक्शन के बारे में। शमिट रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जाता है अमीन। ये अमीन कैसे बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, N3H और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। N3H क्या होता है, N3H होता है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। अमीन क्या बनेगी, अमीन वही बनेगी RNH2, बाहर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी CO2, बाहर निकल जाएगी CO2। अगर शमिट रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें और FGI की बात करें, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या हुआ, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना ली, अमीन बना ली, ठीक है, और यही FGI है, एसिड टू अमीन, एसिड टू अमीन, ये शमिट रिएक्शन का FGI है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करूंगा, ठीक है, मैकेनिज्म से पहले अगर मैं कुछ एक आधा एग्जांपल लिखूं तो देखना, मैं ऐसे लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, यहाँ पे आपने डाला N3H और H पॉजिटिव, क्या बनेगा CH3NH2, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, R ग्रुप पे NH2 जोड़ना है, ठीक है, R ग्रुप पे NH2 जोड़ना है, ये CO2 हटा देना है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। देखो मैं मैकेनिज्म का डिस्कशन करता हूँ, मैकेनिज्म में आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने लिया N3H हाइड्राजोइक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव और इस नाइट्रोजन पे हाइड्रो, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और लिखना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H N, ठीक है, नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ये जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है ये न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस दोनों का काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, आपको क्योंकि पता है कोई भी बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रोंग होना चाहिए, वो बिहेव कर सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल, दूसरा स्टेप देखना, आपने क्या लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आपने रिएक्शन में क्या डाला, एच पॉजिटिव डाला, एच पॉजिटिव किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, एच पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इस एच पॉजिटिव पर अटैक करेगा, मैं ऐसा कह देता हूँ क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच टू पॉजिटिव बना, ठीक है, एक बार दिखाने के लिए ये ओ एच टू पॉजिटिव बना, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन लीव करना चाहेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे लीव करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा ये हाइड्रोजोइक एसिड एन नेगेटिव एच डबल बॉन्ड एन, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव, ये अटैक करेगा कैसे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक ऑक्सी कार्बन पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया ऑक्सीजन पे, वापस आया और वाटर बाहर, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, ये हाइड्राजोइक एसिड वाली स्पीशीज कहाँ जुड़ गई, इस कार्बन पे जुड़ गई, ठीक है, क्या बना, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे क्या एक एच है एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि दिया है इसलिए इसका नेगेटिव खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ना ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये N2 पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से
ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, और मैंने ये कहा था सॉल्यूशन में हाइड्रोजोइक एसिड तो है ही, जो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम कर सकता है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजोइक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे जाएगा, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और अगर आप लोगों को अब पॉसिबिलिटी दिखती है तो यहां से मैं एन टू रिलीज कर सकता हूँ, एन टू रिमूव कर सकता हूँ, कैसे, यहां से एन टू रिमूव की, ठीक है, यहां से एन टू रिमूव की क्या बनेगा, देखना एक बार क्या बनेगा, यहाँ पे एन टू रिमूव करने पे ये बना नाइट्रीन, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, और ये चार इलेक्ट्रॉन क्या बन गई, नाइट्रीन, और कौन सी नाइट्रीन बन गई, असाइल नाइट्रीन, और असाइल नाइट्रीन क्या होती है, असाइल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज होती है किसमें, आइसोसाइनेट में, कैसे रीअरेंज होगी, मैं कहूंगा ये आर ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में आएगा, क्या बनेगा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बन गया, आइसोसाइनेट बन गया, कौन सा आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, और इस अल्काइल आइसोसाइनेट में वाटर तो रिएक्शन, वाटर तो प्रेजेंट होगा ही, वाटर जब यहां अटैक करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे वापस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा आर एन नेगेटिव सी ओ एच एच, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या करेगा, ये एन नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे क्या बना, यहाँ पे बना आर एन एच सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और लास्ट स्टेप में बिल्कुल इस रिएक्शन के लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, बाहर निकल जाएगी CO2, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर एन एच टू, फाइनल प्रोडक्ट बन गया अमीन, और ये पूरा मैकेनिज्म है शमिट रिएक्शन का। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, देखो ये आर ग्रुप फिर से रीअरेंज हो रहा है, ये आर ग्रुप फिर से रीअरेंज हो रहा है, और रीअरेंज हो रहा है तो और रिटेंशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, यहाँ लिखूंगा इफ आर ग्रुप हैव एनी स्टीरियो देन रिटेंशन विल अकर, रिटेंशन विल विल अकर, इस चीज का ध्यान रखना, रिटेंशन होगी, बिल्कुल होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की तरह है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, रिएक्शन में नाइट्रीन भी है, रिएक्शन में आइसोसाइनेट भी है, लेकिन कोई इंटरमीडिएट आपसे रिएक्शन का पूछ ले तो शमिट रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो आइसोसाइनेट है। जैसे मान लो जैम में कल को कोई क्वेश्चन आ जाए और वो ऐसे पूछ ले कि शमिट रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, नाइट्रीन और आइसोसाइनेट, तो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन नहीं है, अगर आइसोसाइनेट ऑप्शन में नहीं दिया तो आप नाइट्रीन मार्क करोगे, मैं यहाँ पे आइसोसाइनेट के नीचे लिखूंगा इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट, और अगर नहीं दिया हुआ तो नाइट्रीन है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।